हेलो एवरीवन, वेलकम टू 11th कॉमर्स बीके लेक्चर। वी आर इन चैप्टर नंबर 9, फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। एंड इन द लास्ट टू लेक्चर्स वी हैव चेक्ड व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमने ईच एंड एवरी आइटम को देखा, उसके बारे में जानकारी ली, कहां पर उसे ट्रांसफर करना होता है उसे भी देखा। सो लेट अस मूव अहेड फ्रॉम पेज नंबर 280 इन योर टेक्स्ट बुक। बैलेंस शीट में डिस्कशन के बाद हम फर्स्ट आइटम लेते हैं फ्रॉम एडजस्टमेंट पार्ट, क्लोजिंग स्टॉक। क्यों मैं इसे एडजस्टमेंट कह रहा हूं? बिकॉज कुछ इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे दी हुई होती है अलग से। ऐसा क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमें साल के अंत में ही पता चलती है। उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग का नाम ही है, क्लोजिंग स्टॉक का नाम ही क्लोजिंग लिखा हुआ है। क्लोजिंग मतलब जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब आप चेक करेंगे, स्टॉक काउंट करेंगे। क्या करेंगे? स्टॉक काउंट। अब ये स्टॉक काउंट किस प्रकार का होता है? तो आपने ऑलरेडी स्टॉक का लेजर बना करके रखा है और स्टॉक के लेजर में आपको बैलेंस दिखाई देगा। स्टॉक के लेजर में क्या दिखाई देगा आपको? बैलेंस। अब वो जो बैलेंस है वो रियल स्टॉक टेकिंग से मैच करता है या नहीं, ये आपको चेक करना होता है। फॉर एग्जांपल, सपोज मैं एक बुक सेलर हूं और मैंने, मेरे पास जितने भी बुक्स अवेलेबल है सबका लेजर अकाउंट मेंटेन करके रखा है और उसके हिसाब से मुझे पता चलता है कि मेरे पास 2000 बुक्स अवेलेबल होना चाहिए। तो जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो उसका रियल मतलब फिजिकल स्टॉक टेकिंग होता है। मैं स्पेसिफिकली जाकर के मेरे बुक शेल्फ में सारे बुक्स को काउंट करूंगा। क्या ये सारे बुक्स का काउंट 2000 आता है? अगर आता है तो वेल एंड गुड, दोनों मैच हो गया। नहीं होगा तो कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी है, मतलब कुछ यहां पर अप एंड डाउन मुझे करना पड़ेगा या कुछ मिस्टेक हो गया है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो साल के अंत में मुझे पता चलेगा कि मेरे पास कितना स्टॉक है और यही मेरा एडजस्टमेंट है। अब ध्यान दीजिए, जो भी एडजस्टमेंट आपको दिए हुए हैं, हर एक एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है। कितने इफेक्ट होते हैं? डबल इफेक्ट। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन अभी तक पास किया हुआ नहीं था, जबकि जो हमें आइटम ट्रायल बैलेंस से मिल रहा है उसका कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी इफेक्ट दिया हुआ है। तो सिर्फ आपको फाइनल अकाउंट में उसका इफेक्ट देना है, बट जो एडजस्टमेंट है उसका इफेक्ट आपने अभी तक कहीं नहीं दिया हुआ है। एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैव मिनिमम टू इफेक्ट, वन डेबिट अनदर क्रेडिट। कुछ आता है तो कुछ जाता भी है ना। तो एडजस्टमेंट का अभी तक कोई इफेक्ट नहीं दिया गया, इसलिए हमें यहां पर इनका मिनिमम टू इफेक्ट देना पड़ेगा। तो उस एडजस्टमेंट में है सबसे पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको एडजस्टमेंट रीड करके जब क्लोजिंग स्टॉक बताया जाएगा तो इस क्लोजिंग स्टॉक का करना क्या है? तो हमने देखा कि क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में मेंशन करते हो। कहां मेंशन करते हो? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड। और दूसरा इफेक्ट इसका होगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्योंकि जो भी क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है वो हमारा प्रॉपर्टी है, बिजनेस का प्रॉपर्टी है ना। तो देखिए, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये बैलेंस शीट का असेट साइड है और बैलेंस शीट के असेट साइड में आप सबसे लास्ट में मेंशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को लेकर के हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 1, उसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करके दिखाना है। सो पेज नंबर 285 पर आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके टेक्स्ट बुक में। आप भी मेरे साथ पेंसिल से सारे आइटम्स को रीड करेंगे और मार्क करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 285। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ भारद्वाज एंड सन्स, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड
बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। देखिए क्या क्या चीजें बोली है यहां पर प्रिपेयर करने के लिए। पहला बोला गया है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड वन बैलेंस शीट। ये तीन चीजें हमें बनानी, और इन्होंने हमें ईयर एंड दिया है 31 मार्च 2019 का, ठीक है ना। तो इस दिन हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड, और उसी दिन का हमको दिया गया है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस रीड करेंगे और हम मार्क करेंगे कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा आइटम पीएनएल में जाएगा और कौन सा आइटम बैलेंस शीट में जाएगा। ट्रेडिंग में किसे ले जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस में किसे ले जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम। और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और असेट को ट्रांसफर किया जाएगा। तो आइए मेरे साथ लिखिए, सबसे पहला आइटम है रॉयल्टी। रॉयल्टी सुन के समझ में आता है ये प्रोडक्शन पे स्पेंड किया जाता है, हेंस इसे हम सेंड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रायल बैलेंस में ये सारे आइटम डेबिट साइड दिए हुए हैं, तो स्पेसिफिकली 99% ये सबका सब कहां जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। तो स्पेसिफिकली मैं यहां पर अलग से डेबिट साइड नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता? क्योंकि ये डेबिट बैलेंस ही दिया हुआ है, तो डेबिट साइड ही जाएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट लिख रहा हूं। नेक्स्ट वन इज ड्रॉइंग। ड्रॉइंग आप सबको पता है कि जब हम गुड्स और कैश विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए, उसे ड्रॉइंग कहा जाता है। तो जब ड्राइंग आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो उसका सिंगल इफेक्ट होता है, एक ही इफेक्ट होता है, उसे हम लेस करते हैं कैपिटल से। कहां से लेस करते हैं? कैपिटल से, ठीक है। तो कैपिटल कहां पर होगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, वहां से हम कैपिटल में से लेस करते हैं। वेजेस, वेजेस हम फैक्ट्री के वर्कर्स को पे करते हैं, तो जो एक्सपेंडिचर आप फैक्ट्री में इंकर कर रहे हो वो कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। परचेसेस, परचेसेस रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स के परचेसेस रिलेटेड है, परचेस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा तो आप कहां लेकर जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। कैश, कैश हमारे लिए असेट है तो आप उसे बैलेंस शीट असेट साइड ट्रांसफर करेंगे। सेल्स रिटर्न, ये एक ऐसा आइटम है जो दिया हुआ है डेबिट साइड में बट जाएगा क्रेडिट साइड में, और करना क्या है? लेस फ्रॉम सेल्स। जो सेल्स आपने ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है ना, वहां से आप उसे लेस करेंगे। बैंक, बैंक भी हमारे लिए क्या है? प्रॉपर्टी है, हमारा असेट है बैंक में, जो कैश पड़ा हुआ है, तो बैलेंस शीट में असेट साइड। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कोई और चीज मेंशन नहीं की है, अगर फैक्ट्री का इंश्योरेंस होता तो स्पेसिफिकली फैक्ट्री इंश्योरेंस लिखा होता। दैट मींस ये इंश्योरेंस किसका इंश्योरेंस है? ऑफिस का, और ऑफिस का है तो इनडायरेक्ट इन नेचर, तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड में। स्पेसिफिकली डेबिट साइड मेंशन करने की तो जरूरत नहीं है। फर्नीचर, बिल्डिंग, सन्ड्री डेटर्स, ये सारे आइटम्स कहां जाने वाले हैं? एसेट में, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट असेट साइड, फर्नीचर हमारे लिए असेट है, बिल्डिंग हमारे लिए असेट है, और डेटर से जो पैसा आने वाला है वो भी हमारे लिए असेट है, हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। बैड डेट्स, कौन सा बैड डेट्स है? ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो ये ओल्ड बैड डेट्स है, तो हम उसे कहां लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंस मतलब कुछ एक्सपेंसेस जो जनरल एक्सपेंस उन्हें हम सन्ड्री एक्सपेंस बोलते हैं, तो ये भी ऑफिस से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट इन नेचर। ओपनिंग स्टॉक, अब ओपनिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग अकाउंट के कैटेगरी में आ जाता है। कैरिएज आउटवर्ड मतलब गुड्स सेल करने के समय का जो कैरिज पे कर रहे हैं, तो सेलिंग से रिलेटेड है, तो कहां जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। रेंट, ऑब्वियसली डेबिट साइड दिया मतलब पेड है ना, और रेंट पेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड।
कैरिएज इनवर्ड, जब आप परचेस कर रहे थे तब आपने गुड्स का कैरिएज पे किया था, तो ऑब्वियसली कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। सैलरी, सैलरी किसे पे करते हैं, ऑफिस में जो हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन्हें सैलरी पे करते हैं, तो ऑफिस एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट नेचर, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, डन विद डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड में देखते हैं। क्रेडिट साइड में सबसे पहला आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर, पैसे देना बाकी है। सो बैलेंस शीट में कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड। सेल्स डायरेक्ट इनकम है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा, तो क्रेडिट में स्पेसिफिक नहीं लिखता हूं क्योंकि क्रेडिट यहां ऊपर ही मेंशन किया हुआ है। परचेस रिटर्न, तो लेस करेंगे परचेस से, परचेसेस कहां होता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, ठीक है ना, इस आइटम का स्पेसिफिक ध्यान रखना है हम। ये दो आइटम, एक सेल्स रिटर्न, दूसरा परचेस रिटर्न, ठीक है। अच्छा, कैपिटल, कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड फर्स्ट आइटम, बिल्स पेबल, बिल पे करना बाकी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट, पैसा हमने ज्यादा विड्रॉ कर लिया, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे ट्रायल बैलेंस के आइटम को मार्क कर दिया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये हमें क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट, इसे हमें एडजस्ट करना है। तो हमने अभी अभी देखा कि कभी आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो इसका दो इफेक्ट आपको देना पड़ेगा। पहला चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा बैलेंस शीट में आप मेंशन करेंगे एसेट साइड, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें एंड करना है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फॉर्मेट इज इन फ्रंट ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इलस्ट्रेशन नंबर वन ओवर हियर, सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। आपको सबसे पहले मेंशन करना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, आप किसके बुक्स में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप यहां पर देखिए इन द बुक्स ऑफ भारद्वाज एंड सन्स, इनके बुक में हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग पुट करेंगे इन द बुक्स ऑफ भारद्वाज एंड सन्स। पहला अकाउंट जो आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप यहां पर लेफ्ट हैंड साइड मार्क करेंगे डेबिट साइड और राइट हैंड साइड मार्क करेंगे क्रेडिट साइड, और सेंटर में आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, ऐसा आपको क्लियरली मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन जो आपकी आएगी फॉर्मेट की वो होगी कॉलम्स की, पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस, तो दो कॉलम रुपीस के हमने रखे हुए, देन अगेन पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस, ठीक है। तो यहां पर आप ये लेकर के ऐसे 10 लाइंस तक लीव कर दीजिए, 10 लाइंस आर इनफ, 10 लाइन में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा, और उसके नीचे फिर उसी फॉर्मेट में आपको आगे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। सेम पेज में आप नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, वो लगभग आप 20 से 22 लाइन का रखिए, तो ऑब्वियसली पेजेस पेज इनफ नहीं होगा, तो नेक्स्ट पेज में हमें जाना पड़ेगा, है ना। तो आप नेक्स्ट पेज में उसको कंटिन्यू कीजिए, और फिर जो रिमेनिंग नेक्स्ट पेज का पार्ट बचा है वहां पर आप प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो क्लियरली क्या मेंशन करना है, डेबिट साइड डीआर डॉट, क्रेडिट साइड को सीआर डॉट, ऐसे करके मेंशन कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, ऐसा आपको क्लियरली मेंशन करना है, फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि जब हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो पूरे साल का होता है, लेकिन जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, देखिए यहां पर बैलेंस शीट में क्या लिखा है, फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखा, क्या लिखा है, एज ऑन, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट का होता है, ये जो असेट एंड लाइबिलिटीज की पोजिशन है वो एक पर्टिकुलर डेट की है, फाइनेंशियल ईयर एंड जब हुआ था तो एंडिंग डेट की है, 31st मार्च की है, पूरे साल की इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए सेपरेट होता है। तो इसी तरीके से आप बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इट विल बी लायबिलिटीज एंड राइट हैंड साइड विल बी एसेट, तो इस तरीके से आप डिनोट कीजिए। अगेन इसमें भी एक इनर कॉलम आउटर कॉलम होगा, तो दो इनर कॉलम दो आउटर कॉलम ऐसे आप प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है।
इस तरीके से ये फॉर्मेट रेडी हो गया। और नेक्स्ट पेज आप वर्किंग के लिए रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ स्पेस लीव करके रखा है ताकि हम यहाँ पर वर्किंग कर सके। ओके तो आइए, क्वेश्चन तो हमने मार्क किया हुआ है, देखते हैं। सबसे पहला आइटम हमारा ट्रायल बैलेंस में है रॉयल्टीज। बट हमें पता है कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो कुछ चीजें फिक्स होती हैं। क्या फिक्स होती हैं? तो आप देखिए यहाँ पर डेबिट साइड में मैं लिख रहा हूं जो चीजें पहले से फिक्स हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, ये पहले से फिक्स है, ठीक है। तो जो फॉर्मेट में सबसे पहले आना चाहिए उसे आप पहले रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक और टू परचेसेस। इसमें से फिर आपको लेस करना पड़ेगा परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न अंडरलाइन कर देते हैं इनर कॉलम में। तो ये आपका फॉर्मेट फिक्स है। सिमिलरली क्रेडिट साइड में क्या आता है? सबसे पहला आइटम क्रेडिट साइड में आता है बाय सेल, ठीक है। और आपको यहां से लेस करना है सेल्स रिटर्न इनर कॉलम में, फिर आप अंडरलाइन कर देंगे। तो ये चीज क्या है? फिक्स है। इसके अलावा और क्या फिक्स है? आप बैलेंस शीट में देखेंगे यहां पर, तो बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम आपको लिखना होता है कैपिटल। सो यू विल राइट कैपिटल, ठीक है। और कैपिटल में से आपको क्या माइनस करना होता है? ड्रॉइंग। सो यू विल राइट ड्रॉइंग्स, अंडरलाइन कर देते हैं। तो जो चीजें फिक्स है उसे हमने पहले से डिनोट कर लिया। ओके सो क्वेश्चन में सबसे पहला आइटम क्या है? सबसे पहला आइटम है रॉयल्टी। रॉयल्टी को कहां हम ले जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में। अमाउंट कितना है? 4000। तो यहां पर हमने लिखा टू रॉयल्टीज। क्या इस पर कोई एडजस्टमेंट है? आंसर इज नो। तो 4000 आउटर कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? ड्रॉइंग्स। अब देखिए ड्रॉइंग को हमने मार्क करके रखा है कि उसको कैपिटल से लेस करना है। अमाउंट क्या है? 10000, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हम जाएंगे और जहां पर हमने कैपिटल लिख रखा है उससे नीचे ड्रॉइंग को लेस किया जाएगा। यहां पर मैं लिखूंगा 10000। ठीक है, 10000 लेस करेंगे। ये एक्सेल शीट है तो मेरे फॉर्मेट में माइनस दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको माइनस नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी आपने यहां पर सिंबॉलिकली माइनस लिखा हुआ है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, आपको यहां पर कभी भी हम कॉलम्स में माइनस ये सिंबल पुट करते नहीं है, है ना। अमाउंट रुपीस के कॉलम में हम माइनस फिगर पुट नहीं करते हैं। हाँ, आपको ब्रैकेट मेंशन करना है तो आप ब्रैकेट डाल सकते हो, बट ये मेरा एक्सेल शीट है तो यहाँ पर ब्रैकेट पुट करते ही वो माइनस में फिगर दिखाई देता है। ओके तो ड्राइंग हमने ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट इज व्हाट? वेजेस। अब वेजेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। अमाउंट कितना है? 6000। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम जाएंगे, वहां हम लिखेंगे टू वेजेस, अमाउंट 6000। अगर इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट दिया होता है ना, कोई भी आइटम के ऊपर अगर कोई एडजस्टमेंट दिया होता है तो हम उसे इनर कॉलम में लिखते हैं। कहां लिखते हैं? इनर कॉलम में। लेकिन अगर उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो फेयर में लिख देते हैं, मतलब आउटर कॉलम में। ओके नेक्स्ट, आफ्टर वेजेस परचेसेस। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, अमाउंट है 71000। तो देखिए परचेस के लिए हमने स्पेस रखा हुआ था और इस पे एडजस्टमेंट है तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा 71000, है ना। कितना इजी है, सिर्फ आपको एक एक आइटम सिलेक्ट करना है और यहां पर लिखते जाना है। नेक्स्ट इज व्हाट? कैश। कैश ऑब्वियसली क्या है? हमारा असेट है और अमाउंट कितना है? 10000। तो हम असेट साइड में जाएंगे और लिखेंगे कैश। मैं यहां पर लास्ट में मेंशन करता हूं
या हम टॉप पे भी मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कैश इन हैंड, ठीक ना, कैश है तो कैश इन हैंड, अमाउंट कितना आ गया 10,000। ओके, नेक्स्ट सेल्स रिटर्न कितना 5,000, 5,000 का अमाउंट है सेल्स रिटर्न, लेस फ्रॉम सेल्स, सेल्स से लेस करेंगे। तो सेल्स कहाँ होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड। तो देखिए ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया सेल्स रिटर्न कितना लेस करेंगे 5,000, तो ब्रैकेट में वहां लिख दीजिए 5,000, क्योंकि इसे लेस करना है। ओके, नेक्स्ट बैंक, बैंक में कितना अमाउंट है 40,000, क्या है हमारा असेट है, तो बैंक में लिखेंगे कैश एट बैंक, बैंक में पैसा कितना है 40,000। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आपने देखना है क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 1,000। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए, यहां पर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लीव वन लाइन, एक लाइन आप लीव कर दो, क्योंकि ऊपर जो हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा ना वो यहां पर शिफ्ट करना है। तो ये फर्स्ट लाइन में हम कुछ लिखेंगे नहीं, नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे टू, कौन सा आइटम था, इंश्योरेंस, अमाउंट कितना है 1,000, तो टू इंश्योरेंस अमाउंट 1,000। ठीक है, डन। नेक्स्ट आफ्टर इंश्योरेंस फर्नीचर कितना दिया हुआ है 34,000, कहां जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड, फर्नीचर 34,000, तो हम यहां पर असेट में आ गए, एंड हियर वी विल राइट फर्नीचर, थर्टी फोर थाउजेंड। ओके, नेक्स्ट फर्नीचर के बाद है बिल्डिंग, कितना दिया हुआ है 1,20,000 का, सो बिल्डिंग भी एसेट है, सो यू विल राइट ओवर हियर बिल्डिंग, वन लैख 30,000, यही अमाउंट है, सॉरी 1,20,000। अगर आपका एक भी फिगर में मिस्टेक हुआ तो आपका सम टैली नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्डिंग है 1,20,000। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर, ये भी एसेट है 1,00,000 रुपीज, सो हियर वी विल राइट सन्ड्री डेटर्स 1,00,000। ओके, नेक्स्ट बैड डेट्स, बैड डेट्स कौन सा बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स, तो कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में 1,000, तो हम यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू ओल्ड बैड डेट्स अमाउंट 1,000, आर वी करेक्ट, 1,000 था, यस बैड डेट्स है 1,000। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,000, सो वी विल राइट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,000। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2,000, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2,000। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 24,000, ओपनिंग स्टॉक हमने पहले से मेंटेन करके रखा हुआ है, 24,000 हमें लिखना है, तो यहां पर देखो वी आर राइटिंग 24,000। ठीक है, ये क्या आ गया ओपनिंग स्टॉक, आउटर कॉलम में लिख दिया क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट आफ्टर ओपनिंग स्टॉक
कैरिएज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 1600, कैरिएज आउटवर्ड तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे 2, कैरिएज आउटवर्ड अमाउंट इज 1600, अमाउंट इज 1600. नेक्स्ट डन विथ कैरेज. रेंट, रेंट कितना दिया हुआ है 1000, सो यू विल राइट ओवर हियर टू रेंट 1000. नेक्स्ट कैरिएज इनवर्ड, इनवर्ड है मतलब रॉ मटेरियल पे है, 400 रुपीज का ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. ठीक है, सो वी विल राइट टू कैरिएज इनवर्ड. कितना है कैरिएज इनवर्ड? 400 ओनली, है ना, तो वी विल राइट 400. ओके, नेक्स्ट रेंट दिया हुआ कितना 1000, सो 1000 का रेंट हम रिकॉर्ड करेंगे, रेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाएगा 1000. यस, ऑलरेडी हमने मेंशन किया है, कैरिज इनवर्ड हो गया. सैलरी दिया हुआ है 16000, तो सैलरी मेंशन करेंगे, टू सैलरीज अमाउंट 16000. तो आप देख सकते हैं कि डेबिट साइड के जितने भी आइटम थे सब कंप्लीट हो गया. ठीक है ना, फर्स्ट आइटम इन दी क्रेडिट बैलेंस इज सन्ड्री क्रेडिटर. बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 56000, सो सन्ड्री क्रेडिटर हम यहां पर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, sundry creditors how much 56000. okay, next sales diya hua hai 81000 ka, bahut hi simple, trading account mein credit side 81000, to yahan par likh denge done. next purchase return less from purchases kitna 3000, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, तो यहां पर परचेज रिटर्न में हम 3000 लिख देंगे इनर कॉलम, है ना. और इसका आंसर आ जाएगा 68000, और इसका आंसर आ जाएगा 76000. ओके, परचेस रिटर्न इज डन. नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल दिए 2,50,000 रुपीस, सो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपको मेंशन करना पड़ेगा 2,50,000 रुपीस. ठीक है, कितना आ गया 2,40,000 आफ्टर एडजस्टमेंट, 2,40,000. नेक्स्ट बिल्स पेबल 20,000, बिल्स पेबल अमाउंट कितना था 20,000. लास्ट में क्या बचा हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट, 40,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो वो भी लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट.
40,000, ठीक है। अब क्या बचा, अब एक एडजस्टमेंट सिर्फ हमें दिया हुआ है, एंड दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 54,000। तो क्लोजिंग स्टॉक को हमको पहले लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में 54,000 क्लोजिंग स्टॉक। तो आप पहले लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, ठीक है। यही चीज सिमिलरली कहां जाएगी, बैलेंस शीट में। क्या मेंशन करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है, 54,000। ठीक है, डन विथ एवरीथिंग। नाउ इफ एवरीथिंग इज डन, वी हैव टू स्टार्ट कास्टिंग। कास्टिंग कैसे करें, हम दोनों तरफ का टोटल लेते हैं। सो टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ डेबिट कितना है, 1,02,400, ठीक है ना, एंड टोटल ऑफ क्रेडिट 1,30,000। तो ऑब्वियसली 1,30,000 इज मोर, तो आप इसे यहां पर क्लोज करेंगे 1,30,000 पे, 1,30,000, ठीक है। यहां पर आपको डबल अंडरलाइन करना है लाइक दिस, और फिर ये जो डेबिट साइड का टोटल था है ना कितना, 1,02,400, इसे आप माइनस करेंगे 1,30,000 से, ठीक है। सो टेक द कैलकुलेशन, 1,30,000 माइनस 1,02,400, 1,02,400 हमने डेबिट साइड के टोटल से उसे माइनस कर दिया, तो हमें यहां पर मिला है 27,600 का ग्रॉस प्रॉफिट, 27,600 का ग्रॉस प्रॉफिट। वी विल राइट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट है उसे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। तो हो जाएगा, देखो हमने वन लाइन लीव किया था यहां पर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या मेंशन करेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। यहां पर आपको लिखना है ब्रॉड डाउन, कितना हो जाएगा अमाउंट, 27,600, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं और कोई आइटम क्रेडिट साइड में नहीं है, तो सिमिलर 27,600 का टोटल यहां पर ले लेंगे, ठीक है, डबल अंडरलाइन कर देते हैं। और डेबिट साइड का टोटल कितना है, 25,600। तो बोथ द साइड 27,600, और ये डेबिट उसमें से हम माइनस कर देंगे 25,600। तो माइनस करके देखिए, 27,600 माइनस 25,600, आंसर इज 2,000। तो ये जो 2000 आया है इसे हम कहेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है, नेट प्रॉफिट हमें मिल गया। अब ये जो नेट प्रॉफिट हमें आया है, इस नेट प्रॉफिट को हमको क्या करना है, ऐड करना है कैपिटल में। तो देखिए कैपिटल, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ऐड, वी विल राइट नेट प्रॉफिट, कितना है नेट प्रॉफिट, 2000, है ना। और आउटर कॉलम में यही क्या बन जाएगा, 2,40,000,
2000, ठीक है। अब एट द एंड हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट को टैली करके देखेंगे। तो देखिए लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया 358,000, तो हमने यहां पर लिख दिया 358,000। अब सेम टोटल हमें क्रेडिट साइड में मिल असेट साइड में मिलना चाहिए 358,000 का। तो यस आंसर इज करेक्ट, इट इज 358,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट भी क्या हो गया, टैली। जब भी बैलेंस शीट टैली होता है तो ही आप श्योर हो सकते हो कि आपका सम करेक्ट हुआ होगा, है ना। 95% बैलेंस शीट अगर आपका टैली हो गया तो आपका सम आपने करेक्ट किया है, ऐसा समझ में आता है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा सम यहाँ पर सॉल्व किया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहां से हम कुछ कॉमन एडजस्टमेंट की बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया एडजस्टमेंट क्या होता है, एडजस्टमेंट ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनका पता हमें फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद चला। अब बाद में पता चला है तो इनका इफेक्ट हमने कहीं दिया नहीं था, देयरफॉर एडजस्टमेंट हैव मिनिमम टू इफेक्ट। तो ये आपको लाइन बाय हार्ट कर लेनी है, ट्रायल बैलेंस आइटम ओल्ड आइटम हैव ओनली वन इफेक्ट, ठीक है। इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट समवेयर बट नॉट हियर, हाँ कहीं पर आप ऐसा लिख सकते हो। क्या लिखना है आपको, ट्रायल बैलेंस आइटम ओल्ड आइटम हैव ओनली वन इफेक्ट, आगे लिखना है बैलेंस शीट आइटम न्यू आइटम्स हैव मिनिमम टू इफेक्ट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस आप कहीं पर याद करने के लिए लिख लो कि जब भी कोई ट्रायल बैलेंस का आइटम होगा उसका सिंगल इफेक्ट होगा, लेकिन अगर वही आइटम आपको एडजस्टमेंट में दिया है, आई एम सॉरी ये बैलेंस शीट यहां पर नहीं लिखना है, यहां पर आपको लिखना है एडजस्टमेंट आइटम, what you will write adjustment item, they are new items have minimum two effect, दो इफेक्ट उनका होता ही है। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक हमें दो वैल्यू पर दिया है, एक दिया है कॉस्ट प्राइस पर और दूसरा दिया है मार्केट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस है 20,000, दैट मींस वो प्रोडक्ट हमने 20,000 में बनाया है या हमें 20,000 का पड़ा है। अब हम उसे मार्केट में सेल करने वाले हैं 25,000 पर। तो जब हम कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक का, तो ऐसे समय पर हम इसे 20,000 ले क्लोजिंग स्टॉक में या 25,000 ले, आपका क्या कहना है? इसका आंसर हमें कहां से मिलेगा? तो इसका आंसर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 देता है, AS2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है कि जब भी हमें दो वैल्यू दिए हों, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, है ना, तो हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए, कॉस्ट प्राइस सिलेक्ट करें और मार्केट प्राइस,
तो हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए? विच एवर, इज लोअर, जो दोनों में से कम होगा, जो दोनों में से कम होगा उसे हमें कंसीडर करना चाहिए, उसे हमें लेना चाहिए, है ना। तो ये दोनों में से कम कौन सा है? 20,000। सो 20,000 को हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। सर ऐसा क्यों? 20,000 को क्यों? क्योंकि क्या अभी तक प्रोडक्ट बिका है? आंसर इज नो। तो जब प्रोडक्ट बिका ही नहीं तो ये 5,000 रुपीज का एक्स्ट्रा कॉस्ट आप कैसे शो कर सकते हो? ठीक है ना, ये 5,000 रुपीज का एक्स्ट्रा कॉस्ट आप शो नहीं कर सकते बिकॉज प्रोडक्ट इज नॉट येट सोल्ड, प्रोडक्ट तो बिका ही नहीं है अभी तक। तो ये अननेसेसरी प्रॉफिट अगर आप क्रिएट करोगे तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन शो करता नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आपको कॉस्ट प्राइस दिया हो या जब भी आपको मार्केट प्राइस दिया हो, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक के समय आप कौन सा वैल्यू लेंगे? विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ठीक है ना। गेटिंग इट? आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे सामने है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस? प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। What does it mean? कि आपको जितना एक्सपेंस पे करना था आपने उससे ज्यादा एक्सपेंस पे कर दिया। मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जाम्पल दिया था से रेंट, रेंट आपको पे करना था 12 मंथ का, है ना, दैट इज 1,000 रुपीज पर मंथ। अगर 1,000 रुपीज पर मंथ है तो आपको पे करना चाहिए था 12,000 रुपीज, बट इंस्टीड ऑफ 12,000 आपने पे कर दिया 15,000 रुपीज, ठीक है ना। तो आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया? आपने 3 मंथ्स का रेंट एक्स्ट्रा पे किया। तो ये जो 3 मंथ्स का रेंट है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पेड, कितना एक्स्ट्रा पे किया? 3,000। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। क्या कहेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। अब ये प्रीपेड है मतलब इस साल का, इस वर्ष का, दिस इज नॉट द एक्सपेंडिचर फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर का ये एक्सपेंडिचर नहीं है। तो इसे क्या किया जाएगा? इसे कंसीडर किया जाएगा असेट। क्या कंसीडर किया जाएगा? असेट, है ना। तो आपको ये कहां लिखना है? आपको ये लिखना है बैलेंस शीट में असेट साइड में, बैलेंस शीट में असेट साइड में, ठीक है। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? तो दूसरा इफेक्ट आपने ये जो रेंट पे किया है कहां लिखा होगा? ये रेंट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा होगा। कितना लिखा होगा? 15,000, है ना। तो वहां से लेस कर देंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लेस करना है, है ना, डेबिट में से आपको लेस करना है। गेटिंग इट? तो आप यहां पर मेंशन करेंगे लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, जो भी रिलेटेड एक्सपेंस है, वेदर इट इज सैलरी, वेदर इट इज रेंट, वेदर इट इज इंश्योरेंस, है ना, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपने ज्यादा पे कर दिया तो वो जहां पर है, फॉर एग्जाम्पल ये फैक्ट्री रेंट ज्यादा पे कर दिया तो ट्रेडिंग में होगा, आपने ऑफिस का रेंट ज्यादा पे कर दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, तो वहां जाकर के आपको लेस कर देना है। क्या कर देना है? रिड्यूस कर देना है, ठीक है। तो एक इफेक्ट आ गया बैलेंस शीट में और दूसरा इफेक्ट आ गया ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पर भी कंसर्न एक्सपेंस है वहां से आपको लेस करना है। तो आप लिखेंगे लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड।
नेक्स्ट थर्ड वन, जिस तरीके से एक्सपेंस प्रीपेड था, अब हम बात कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंडिचर जो इस साल के खर्चे हैं लेकिन अभी तक हमने दिए नहीं है ना, रह गए, पे करना बाकी है. फॉर एग्जाम्पल सैलरी देना था इस साल लेकिन इस साल हमने दिया नहीं, पॉसिबल है? यस, है कि नहीं? सो सैलरी पे करना था 500 रुपीज पर मंथ, 500 रुपीज पर मंथ, तो 1 year का सैलरी है ना, 12 month का सैलरी कितना होगा? 6000. बट एक्चुअली आपने कितना पेड किया? आपने अभी तक 5000 दिया है. दैट मीन्स अभी भी 1000 देना बाकी है. तो ये 1000 जो बाकी है उसे मैं क्या कहता हूं? आउटस्टैंडिंग सैलरी. क्या बोलता हूं? आउटस्टैंडिंग सैलरी, करेक्ट है? तो फर्स्ट इफेक्ट आपको क्या करना है? एड करना है टू द कंसर्न एक्सपेंस या टू द रिलेटेड एक्सपेंस. वो जो रिलेटेड एक्सपेंस है उसमें आपको एड करना है. तो देखो रिवर्स हो जा रहा है, जो प्रीपेड था वो आप लेस करते थे और जो आउटस्टैंडिंग है उसे आप एड करते हो. बात समझ में आई आपको? जो प्रीपेड है उसे आप लेस करते हो और जो आउटस्टैंडिंग है उसे आप एड करते हो. दूसरा इफेक्ट, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा. अच्छा, क्यों लायबिलिटी? क्योंकि पे करना बाकी है, पे करना बाकी है ना, इसलिए हमारी लायबिलिटी है. तो आई होप ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी कि जब हम बात करते हैं प्रीपेड की तो प्रीपेड हमारे लिए असेट हो जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग की तो हमारे लिए क्या हो जाता है? लायबिलिटी. नेक्स्ट, हमने अब तक 3 एडजस्टमेंट्स देखे. मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ वन, फोर्थ वन इज प्री रिसीव्ड इनकम. प्री रिसीव्ड इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. क्या कहेंगे? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. मतलब जो इनकम इस साल का है ही नहीं वो हमें पहले ही मिल गया. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पर्टिकुलर टेनेंट है ना, जिससे हमें रेंट लेना है, उसने आने वाले नेक्स्ट 6 month का भी रेंट हमें दे दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. अब मुझे बताइए क्या ये इस साल का इनकम है? आंसर इज नो. तो हमें क्या करना चाहिए? लेस फ्रॉम रिलेटेड इनकम, लेस फ्रॉम रिलेटेड इनकम, उस इनकम से आप लेस कर दीजिए, ठीक है ना? वहां से आपको लेस कर देना है जहां कहीं भी लिखा हो. दूसरी बात, ये जो इनकम हमें एडवांस में मिला है, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बीच में कैंसल हुआ तो ये पैसे वापस करने होंगे. फॉर एग्जाम्पल उसको कुछ प्रॉब्लम आई, बोला कि नहीं हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का हुआ तो मैंने आपको एडवांस पेमेंट किया था बट मैं रह नहीं सकता तो मुझे जाना होगा, तो प्लीज मुझे मेरा एडवांस वापस कर दीजिए, है ना? तो वापस करना होगा, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है? लायबिलिटी. क्या हो जाता है? लायबिलिटी. तो आप कहां पर मेंशन करेंगे दूसरा इफेक्ट? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम रिलेटेड इनकम, उस पर्टिकुलर इनकम से आपको लेस करना है. और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर 5. नंबर 5 पे कौन है? आउटस्टैंडिंग इनकम. तो जिस तरीके से हमने एक्सपेंस की बात की उसी तरीके से हम इनकम की बात करते. कोई इनकम आना बाकी है, कहीं से कमीशन मिलने वाला था लेकिन अभी तक मिला नहीं है, कहीं से रेंट मिलने वाला था
लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो ये क्या है? आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग इनकम हमारे लिए क्या होता है? आउटस्टैंडिंग इनकम का फर्स्ट इफेक्ट होता है एड टू रिलेटेड इनकम, एड टू रिलेटेड इनकम। वो जो पर्टिकुलर इनकम है जहां कहीं भी लिखा हो, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है, तो उसके क्रेडिट साइड में जाकर के हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट, क्योंकि वो पैसा आना बाकी है इसलिए वो हमारे लिए एसेट है। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या आ जाएगा? ऐड टू रिलेटेड इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड। और दूसरा इफेक्ट क्या आ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमें उसे जाकर के लिखना है। नाउ नंबर सिक्स, नंबर सिक्स में हम बैड डेट से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है उसे देखेंगे। तो अगर आपको एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिया हो, बैड डेट्स का मतलब क्या है? जो कोई डेटर है उसने हमें क्लियरली ना बोल दिया कि मैं पैसे देने वाला नहीं हूं, तो क्या हो गया? आपका लॉस हो गया। और लॉस हो गया तो आप उसे कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको उसको डेबिट साइड में लिखना है, न्यू बैड डेट्स, है ना। तो आपको जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है बैड डेट्स, वो ओल्ड बैड डेट्स हो गया, उसमें जाकर के आपको एड कर देना है, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट में असेट साइड में जाकर के डेटर से आपको लेस करना है। क्या करना है? लेस। तो डेटर में से लेस कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में हम जाकर के मेंशन करेंगे। इसके लिए सेपरेटली मैं एक वर्किंग नोट करके आपको बाद में दिखाऊंगा ताकि आपको और क्लैरिटी मिले, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हमने कोई पर्टिकुलर डेटर को डिस्काउंट दिया है तो उसका भी इफेक्ट सेम होगा। क्या होगा? आप उसे सन्ड्री डेटर असेट साइड में से माइनस करेंगे और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर के डेबिट साइड में देना होगा, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज इसका इफेक्ट बिल्कुल सेम होता है क्योंकि ये दोनों इफेक्ट डेटर्स के साथ में हो रहा है। तो डेटर से आपको लेस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डेबिट साइड में शो करना है, ओके। नेक्स्ट, इसका रिवर्स क्या हो रहा है? डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। कोई क्रेडिटर को आपको पैसे देने थे तो ऑब्वियसली आपने कहां लिखा होगा? लायबिलिटी में। अब वो आपको डिस्काउंट दे रहा है तो वहां से आप माइनस कर दीजिए, तो क्रेडिटर में से क्या कर देंगे? माइनस। बैलेंस शीट में क्रेडिटर में से आप माइनस कर देंगे क्योंकि वो क्रेडिटर आपको डिस्काउंट दे रहा है, और क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला तो हमारे लिए बेनिफिट है, फायदा है। फायदा है तो कहां लेकर जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड। अगला एडजस्टमेंट है रिजर्व फॉर प्रोविजन और आरडीडी ऑन डेटर। आरडीडी का मतलब होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ऐसे डेट जिसके ऊपर आपको डाउट है कि वो शायद नहीं देने वाला। और जब आपको डाउट आ गया तो आप उसे क्या करेंगे? आप उसको सबसे पहले डेटर में से लेस करेंगे। तो असेट साइड में डेटर में से जाकर के आप लेस कर दीजिए। दूसरा इफेक्ट ये आपके लिए न्यू आरडीडी बन जाता है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जाकर के बैड डेट्स में एड कर देना है, बैड डेट्स में ऐड कर देना। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि इससे रिलेटेड जो भी कोई एक्सप्लेनेशन है वो मैं क्लियरली अलग से एक एग्जांपल सेट करके आपको दूंगा। तो अब तक के लिए, आज के लिए इतने एडजस्टमेंट काफी हैं। रेस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फाइनल अकाउंट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा। Bye bye everyone.